तो यार फाइनली टीवीएस कंपनी ने टीवीएस रेडर 125 का न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया है और इसमें नए कलर वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं। इस मॉडल में क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, इसकी प्राइस कितनी है और इस मॉडल में नॉर्मल मॉडल के बजाय क्या आपको अलग देखने को मिलता है, आज के इस वीडियो में डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़ और फिर से स्वागत आपका आज के इस वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो यार इस नए मॉडल में आपको जो अलग देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कलर और ग्राफिक्स। ये जो मॉडल है मार्वल से इंस्पायर है और आपको पता होगा टीवीएस भी भैया मार्वल की काफ़ी बड़ी फैन है हमारी तरह, और टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स में मार्वल के एडिशन लॉन्च करती रहती है, चाहे एंटोर की बात कर लें फिर अदर स्कूटीज़ की बात कर लें। और यहाँ पर अब टीवीएस रेडर 125 में भी इन्होंने मार्वल एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसमें दो मॉडल यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, पहला है आयरन मैन एडिशन और जो दूसरा है वो भैया ब्लैक पैंथर एडिशन। दोनों के अंदर जो ग्राफिक्स है बिल्कुल अलग आपको देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल जो अपने रेडर आती है उसमें ऐसे ग्राफिक्स आपको देखने को नहीं मिलते और काफ़ी कम ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस नए मॉडल में यहाँ पे मार्वल एडिशन में आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल था कि भैया इंजन में भी कुछ चेंज किया गया है या फिर फीचर्स में क्या चेंजेस है, या फिर इसके अलावा इसमें जो मीटर कंसोल है वो कौन सा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मीटर कंसोल की। इसमें जो मीटर कंसोल मिलेगा आपको TFT वाला मीटर कंसोल ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंपनी ने इसको TFT मीटर कंसोल के साथ ही लॉन्च किया है। जो नॉर्मल वाला मीटर कंसोल है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो टॉप मॉडल में TFT स्क्रीन आती है सेम स्क्रीन आपको मार्वल एडिशन के इन दोनों बाइक में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें इंजन वगैरह की तो इंजन इस बाइक में सेम देखने को मिलेगा जैसा कि अदर मॉडल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है ग्राफिक्स का डिफरेंस है, इसके अलावा कोई भी अलग चीज़ आपको इस मॉडल में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि एक मार्वल एडिशन कंपनी ने लॉन्च किया है, ऐसा नहीं है कि एक पूरा लेटेस्ट अपडेट किया हो जैसा कि लास्ट टाइम किया था, जो LCD स्क्रीन थी उसे TFT में अपडेट किया था, वैसा कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स का ही अपडेट किया गया है। यहाँ पे कलर वगैरह है वो भी सेम है, जो रेड कलर आता है जो ब्लैक कलर आता है उस पर ही ग्राफिक्स का यूज़ किया है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नया कलर ऑप्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया हो, लेकिन जल्दी ही इस बाइक का एक नया एडिशन आने वाला है जो है कि स्पेशल एडिशन। उसमें जो आपको इसका व्हील है वो आपको कलरफुल देखने को मिलेगा जैसा कि अपाचे में देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़े बहुत इसमें जैसे नकल गार्ड वगैरह थोड़े से कॉस्मेटिक डिज़ाइन वाले भी इसमें अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। फिलहाल बात करें मार्वल एडिशन की तो इसकी जो प्राइस है 1,00,000 रुपये एक शोरूम है, जो कि इसके टॉप मॉडल की प्राइस है। प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे तो ब्लैक पैंथर वाला एडिशन ज़्यादा अच्छा लगा। आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा पे फॉलो नहीं करना इंस्टा पे फॉलो करो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।